नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, टाइम हो रखा है, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं यानी कि आज शाम का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है शाम के 4 बजे। और इसका भी एक कारण है, दरअसल आज कुछ ऐसा हुआ दिन में कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ। कृष्णा का आपको पता ही है कि कितना शरारती हो गया है। तो आज सुबह जब बच्चे नहा धो के दिया लगाने लगे पीहू, तो क्या हुआ कि पीहू बाहर चली गई दिया लगाने के बाद, मतलब टिक्का लगाना था उसको, तो इसमें पानी डालने के लिए वो बाहर चली गई। और इतने में पीछे से कृष्णा ने जो है वो जो माथे पे बांधने की चुनरी नहीं होती, जय माता दी लिखा रहता है, वो लेके पता नहीं कैसे करके दिए में पकड़ा दी और उसने आग पकड़ ली एकदम से, क्योंकि वो सिंथेटिक थी तो एकदम से आग पकड़ ली, प्लास्टिक टाइप थी। तो मैं किचन में थी, पीहू के डैडी कुछ और कर रहे थे, तो एकदम से जब पीहू आई उसने देखा कि मम्मा देखो क्या हो गया क्या हो गया, तो मैं और कृष्णा के डैडी भागे आए। तो यहाँ आके देखा तो देखो ये है सारा, ये जो है ना ये सारा जला हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये मतलब जितना भी यहाँ पे है ये सारा जला हुआ है, इधर भी, और ये देखो सारा, और ये नीचे, और ये जो है ना ये नीचे वाली ये भी जली हुई है सारी। और तो मतलब दिमाग इतना परेशान देख के, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे घी रखा हुआ था पूजा के लिए या कुछ भी हो सकता था। तो बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गए, क्योंकि ये जो चादर है अगर ये आग पकड़ लेती तो बहुत मुश्किल हो जाती। और कृष्णा का भी मतलब बच गया, उसको भी कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। और ज़्यादा दिक्कत ये थी कि ये जो तस्वीरें हैं हमारी, इनके ऊपर जो है लेमिनेशन हो रखी है प्लास्टिक की पन्नी की। मैंने इसलिए नहीं उतारी क्योंकि गंदी हो जाती है, साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने उतारी हुई नहीं थी, क्योंकि अगर ये भी आग पकड़ लेती, इधर भी सामान रखा है, घी रखा है या कुछ भी, तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो आज जो है हम लोग ना बाल बाल बच गए, हम नहीं मतलब कृष्णा ज़्यादा बच गया, बाल बाल, बस भगवान का शुक्र है। जो वो पन्नी सी थी मतलब चुनरी थी उसने आग पकड़ ली, और ये देखिए मतलब प्लास्टिक की तरह लग रही है, जैसे प्लास्टिक होती है। और ये सारा तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या करें क्या नहीं। और इसी चक्कर में आज कुछ नहीं काम किया मैंने कुछ भी, बस सुबह झाड़ू भी पीहू ने ही लगाई थी, क्योंकि मेरा माइंड तो हैंग सा हो गया एकदम से, मैं डर गई मैं क्या हो जाता। तो दोपहर के खाने के बर्तन भी ये देखो झुके तो पड़े सिंक में, और दही थी, पराठे बनाए थे तो खा तो लिए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैं जब से लेटी हुई थी। और रही बात आज मौसम की, बताऊँ आपको तो जो मौसम है आज तो वो बादलों भरा हो रखा है मौसम। तो खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ, काम तो करने ही है। तो आज मैं सोच रही हूँ, आज क्या कई दिन से सोच रही हूँ, मैं बोल भी रही थी आप लोगों को भी कि किचन साफ़ करना है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इन डब्बों को साफ़ करके अच्छी तरीके से, मतलब सामान निकाल के नहीं अच्छी तरीके से साफ कर दूं, मतलब रसोई का जो सामान है सारा इधर उधर उल्टा पुल्टा पड़ा है, किचन खल्ला पड़ा है सारा, तो मैं इसको साफ सफाई कर दूं अच्छे तरीके से। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए आज मुझे पास टाइम है, कृष्णा नहीं यहाँ है, ना रूही है, ना कृष्णा के डैडी है, वो लोग उधर गए हुए हैं, पीहू और मैं ही है आज यहाँ पे। तो बस अब जब मैं पहले तो देखती हूँ बर्तन वगैरह साफ करूंगी, और उसके बाद जो ऊपर के स्लेब है ये साफ करूंगी। तो जी चलिए, फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करती हूँ अपना काम शुरू, पहले किचन के बर्तन करूंगी और उसके नहीं, पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं करूंगी बाकी के काम। तो जी देखिए, यहाँ पर जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो मैंने मांझ लिए हैं, अब मैं उन्हें धो रही हूँ। और क्योंकि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर हाथ पैर जो है वो काम भी नहीं करते, तो बहुत देर तक तो यही रहा दिमाग में कि अगर ये होता तो ये हो जाता, ऐसे होता तो वैसे हो जाता, क्योंकि कृष्णा जितना बड़ा हो रहा है उतना ही शैतान होता जा रहा है। तो खैर चलिए कोई नहीं, अभी हम आगे से और ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो रैक है इसमें जो मतलब थोड़ा बहुत सामान है किचन का ही रखा जाता है, तो सबसे पहले तो मैं इसे ही खाली करके धो दूँगी। और क्योंकि धूप की टेंशन है यहाँ पे, धूप नहीं आती, तो इसके लिए जो है मैं इन्हें बस पंखे के नीचे रख दूँगी फोल्डिंग पे। तो डब्बे भी मैंने उतार लिए हैं सारे नीचे, और जो इनमें सामान है वो मैं निकाल दूँगी, जिससे कि जो डब्बे हैं वो मैं धो दूँ सारे। पहले मैंने सोचा था कि चलिए डब्बे जो है राशन समेत ऊपर ऊपर से धो दूंगी मैं, अंदर से नहीं दूंगी, फिर मुझे वो गंदे से लगे, फिर मुझे लगा कि नहीं चलो धो ही रही हूँ तो धो ही दूँ, नहीं तो 5-4 दिन बाद फिर से धोने की टेंशन होगी। तो
तो अभी तो मैं लगी हुई हूँ, तो बस फिर इसीलिए मैंने जो डब्बे हैं वो अंदर से भी धो दिए, बाहर से भी अच्छी तरह धो दिए। और मैं सोच रही हूँ कि डब्बों का जो एक सेट है और मंगवा लूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप तो आती नहीं जो धूप में डब्बे रख के मैं सुखा दूँ। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक डब्बे में सामान डाल दिया और एक डब्बे को धो दिया, तो जब अगली बार सफाई करी तो दूसरे डब्बे में रख दिया, तो ये नहीं टेंशन रहने की कि जब डब्बे सूखेंगे तभी सामान रखा जाएगा। और जब मैंने इनमें सामान डाला तो तब भी ये डब्बे गीले ही थे, मतलब पंखे के नीचे भी सूखे नहीं थे अच्छी तरह, तो फिर साफ़ करके डाले। तो खैर डब्बे मैंने धो के नीचे पंखे के नीचे रख दिए हैं, और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ स्लेब साफ़। और स्लेब साफ़ करके मैंने पेपर भी बिछा दिया है, और जो सामान रखने का था ऊपर वो रख दिया है, क्योंकि अभी तो डब्बे गिले थे तो उनमें सामान नहीं रखा जा सकता था। तो ऊपर के स्लेब की सफाई करने के बाद यहाँ मैं नीचे वाले स्लेब पे साफ़ करने लगी हूँ, गैस वगैरह जो सामने की टाइलें हैं वो, और जो ये खिड़कियाँ हैं ये मतलब जो हमसे पहले यहाँ रहते थे उन्होंने इतना तंग मचाया हुआ कि ये साफ़ नहीं होती। तो जब भी मेरा टाइम लगता है तो मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है स्लेप यूज़ कर दिया है साफ़, और टाइलें भी साबुन से साफ़ कर दी हैं, और उसके बाद जो है मैं साफ़ पानी का कपड़ा लेके उससे साफ़ कर रही हूँ ऊपर का गैस, और उसके बाद नीचे वाली जो साइड है यहाँ भी मैं साफ़ कर दूंगी। तो ज़्यादातर जो सामान है वो वहीं का वहीं मैंने रखा है, लेकिन उसे हटा के साफ़ सफाई की है। और इसमें ये जो आलू प्याज से है इनके छिलके वगैरह या जो भी है वो एक्स्ट्रा करके मैं इसको भी साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि जो कूड़ा है जितना भी निकल जाए उतना अच्छा है। तो झाड़ू मैं लगा दे रही हूँ, और पोचा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि सुबह के टाइम मैं पोचा लगाऊंगी। तो जब तक डब्बे वगैरह सूखते हैं तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा टाइम है तो जो स्टोर है मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि स्टोर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा सामान उठाया जाता है, रखा जाता है, उठाते कहीं से हैं रखते कहीं हैं, तो बस इसीलिए। तो बस यहाँ भी मैं आगे आगे से ही सफाई कर रही स्टोर की, तो मैं वैसे नहीं कर रही हूँ कि भाई करनी है मुझे, और क्योंकि अभी तो मैंने कमरे वगैरह की अलमारी भी नहीं साफ़ करी, कुछ नहीं करा। तो रसोई से मैं लेके शुरू हुई हूँ, मैं कहा चलो पहले मैं रसोई करूँगी, धीरे धीरे एक एक कमरा साफ़ करूँगी रोज़, तो हो जाएगा। तो स्टोर को थोड़ा सा ठीक ठाक सा करके मैं आ गई हूँ वापस, और यहाँ पे मैं डब्बों में जो राशन है वो डाल रही हूँ। राशन लाना था लेकिन कृष्णा के डैडी का जो टाइम है वो नहीं लग पा रहा, इसलिए राशन नहीं आ पाया। तो जो राशन था निकाला हुआ था वही मैंने डब्बों में रख दिया है वापस से, और डब्बे में लगा दे रही हूँ। और क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, डब्बे ये मतलब सारे सूखे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है कपड़े वगैरह से पूंछ के साफ़ करके इनको लगा दिया है अच्छी तरीके से। तो उसके बाद रह जाती है सिर्फ सिंक वगैरह मेरी साफ़ करनी, क्योंकि सिंक नहीं मैंने साफ़ करी थी, मैं कहा जो कप बर्तन वगैरह हैं सारा करके फिर करूँगी। तो आरओ को भी मैंने साफ़ कर दिया है, और जो सिंक के आसपास की टाइलें वगैरह है वो भी मैंने धो दी हैं, और देखिए सारा जो काम है मेरा हो गया है किचन का फिनिश। और रह गई है एक बार अच्छी तरीके से झाड़ू लगानी, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए कूड़ा कितना निकल जाता है, और इस टाइम तक कृष्णा के डैडी और कृष्णा भी आ गए थे उधर से, तो देखिए कूड़ा कितना निकल गया, और मतलब मैं थक गई थी करते सजी करते ना किचन ये हो गया सारी है साफ मेरा सफाई। साफ, और देखिए साफ सुथरा किचन कितना सुंदर लगता है, और काम करते हुए भी मन लगता है। तो ये जो है डब्बे यहाँ पे, मतलब जो सामान वैसे तो जहाँ था मैंने वहीं रखा, थोड़ा बहुत इधर उधर करा, और क्या बोल लग रहे हैं, तो ये देखिए ये जो चमचे वगैरह हैं ये मैंने यहाँ पे टंगा दिए अब, क्योंकि जैसा काम करें तो यहीं से ही उतार लो, ढूंढने नहीं पड़ते, जैसे कृष्णा के डैडी या काम करता है कोई और तो ढूंढने नहीं पड़ते। और इधर की साइड मैंने यहीं पे ही रखी है, जो चीज़ वैसे तो जहाँ थी वहीं पर ही रखी मैंने, कुछ भी इधर उधर नहीं करा, क्योंकि फिर बाद में इन्हें डब्बे ढूंढने पड़े, अब तो इन्हें पता कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा। तो खैर देखिए अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, कृष्णा के डैडी के लिए, क्योंकि वो आए हैं दुकान से और वो बोल रहे हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए। असल में उन्होंने बेसन और बूरा दोनों ला के रखे हुए हैं, 2 दिन हो गए, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा था, या मैं थक गई थी कुछ भी मान लो, जो वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बेसन भूनने में या मिक्स करने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जब वो ठंडा हो के लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे बांधने में। तो बस अब जब मैं पहले तो चाय पियेंगे, और उसके बाद पहले देखती हूँ मैं या तो पहले खाना बनाऊंगी या लड्डू बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी आज ही दोनों चीज़, क्योंकि कल कल करते हुए 2-3 दिन हो लिए, और कल पे ही छोड़ती रहूँगी तो काम होने का नहीं। तो बस पहले मैं और कृष्णा के डैडी चाय पियेंगे, और उसके बाद देखती हूँ मैं आपके क्या करना है।
तो जी देखिए, चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ लड्डू बनाने पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, ये 1 किलो से कम घी है, और क्योंकि बेसन के लड्डू का सेम परफेक्ट मेजरमेंट है ये कि 1 किलो बेसन लो, 1 किलो बूरा लो और 1 किलो घी। तो घी जो है आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब 1 किलो की जगह 850 ग्राम, 800 ग्राम कुछ इतना, इससे कम करेंगे तो लड्डू जो है वो आपके नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने घी में डाल के बेसन को भून रही हूँ, और कम आँच पे आपको इसको भूनना है। तो घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, और ये जितना मैंने घी डाला ना, यही लड्डुओं में एक्स्ट्रा हो गया। तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं हो गया, लेकिन मुझे लगा कि एक्स्ट्रा है। तो देखिए जितना जितना बेसन मिक्स होता जाएगा घी में, उतना ही ये लूज चलता जाएगा। और बस आपको ध्यान रखना है कि मीडियम आँच पे आप इसको करें, और मतलब चलाते रहे, लगे ना ये, जिससे कि तो जितना बेसन का हलवा जो बनाते हैं ना, उतना बेसन भुन जाता है उसमें, उतने टाइम तक आपको इसको भूनना है जब अच्छी सी खुशबू आने लगे। और गैस देखिए मैंने नीचे ही रख लिया है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था बेसन भूनने में, कम आँच पे बेसन भूनने में बहुत देर लगनी थी, तो खड़े खड़े टांगों में दर्द होने लगता, तो इसलिए जो गैस है मैंने नीचे ही रख ली थी। तो देखिए बेसन जो है वो भून गया है बहुत अच्छे तरीके से, और इसको हल्का सा ठंडा करके आप इसमें बूरा ऐड कर दीजिए। तो जो बूरा है वो भी 1 किलो ही है, 1 किलो बेसन था, 1 किलो बूरा था, और 1 किलो से कम जो है वो घी था। तो यहाँ पे आप बूरे को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, डलियों की टेंशन मत लीजिए जो गांठ है, क्योंकि बेसन जो है वो गर्म है तो उसमें वो घुल जाएगी आराम से। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म हैं और गर्म गर्म की नहीं बनेगी। तो देखिए तीनों चीज़ों का मिक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है, और इसको मैं रख दूंगी अब ठंडा होने के लिए कमरे में पंखे के नीचे, और जब तक ये ठंडा होगा तो तब तक जो है मैं बना लूंगी खाना। तो जी खाने में आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी, सिंपल सी ही बनाऊंगी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल लूंगी, क्योंकि पीहू जो है वो प्याज खाती नहीं, छोंक में बहुत कम खाती है, तो इसीलिए जो है मैं धरिए जीरे में ही बनाऊंगी। और नीचे ही बैठ के मैं बनाने लगी, गैस नीचे रखी थी तो मैंने नीचे ही बना दी। तो थोड़ा सा मैंने छोंक के लिए घी लिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया और थोड़ा सा धनिया जीरा, और जब वो चटक गए उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी लौकी, और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च ले रही, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरा कृष्णा कितना परेशान है, और नीचे मतलब मुझे अच्छा लगा कि नीचे बैठ के खाना बनाना, सहूलियत भी थी, बैठे बैठे आराम से हो रहा था, लेकिन कृष्णा के करके जो है थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि कृष्णा रुकता नहीं है एक जगह। तो बस देखिए यहाँ पे एक गैस पे मैंने सब्जी रख दी, और दूसरे पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और उसके बाद फिर हमने रोटी खाई। मैंने किचन का काम जो है वो सारा किया, साफ़ सफाई वगैरह जो थी, बर्तन वगैरह, दूध वगैरह पिया, तो हलवा बनाने का मुझे वो सॉरी लड्डू बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, यानी कि मतलब मैं थक गई थी भाई, रसोई भी साफ़ की और हलवे में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर रोटियां भी बनाई, तो इसलिए हमने बनाए हैं अगले दिन लड्डू सुबह के टाइम। तो कृष्णा के डैडी भी मेरे पास लगे हुए हैं, हेल्प करवा रहे मेरी, और यहाँ पे लड्डुओं का कलर और मेरे सूट का कलर दोनों का सेम सेम हो रखा है, येल्लो येल्लो। तो जी मैंने ये जो लड्डू है ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, और मतलब मैंने पूछे थे अपनी सास को कि कैसे बनते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया, और मतलब वही पूछ पूछ के मैं करती रही। तो लड्डू जो है हमारे बिल्कुल बढ़िया बन गए थे, सुबह के टाइम जो है बेसन बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया था घी में सब कुछ। तो जी देखिए लड्डू हमारे हो गए हैं बिल्कुल बन के तैयार और खाने के लिए रेडी। तो आप लोग भी आइए और लड्डू खा के मुझे बताइएगा कि लड्डू कैसे बने हैं। तो जी लड्डू बन गए हैं, और आखिरकार मेहनत जो है वो वसूल होगी। पहली बार बनाए मैंने बेसन के लड्डू, और बीच बीच में सासू माँ को फ़ोन करके पूछती रही, क्योंकि मैं बनाती रहें। तो लड्डू ये बन गए हमारे, कुछ रख दिए हैं कुछ ये हैं, तो 1 किलो बेसन से ठीक ठाक लड्डू बन गए। तो अब बारी है टेस्ट करने की, करो। बेसन के लड्डू जैसे ही लग रहे ना, बहुत अच्छे लग रहे। देखिए खाके ठीक है, सही में बहुत अच्छे, वाकई में। तो दोस्तों इस तरीके से लड्डू वाकई में बहुत अच्छे बने हैं, और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने अच्छे लगेंगे, वाकई में बहुत ही। और घर के ये हैं देसी घी के हैं, गाय का घी जो है घर से मम्मी ने भेजा था वही हमने यहाँ पे यूज किया, और ये परेशान हो रहा है कृष्णा, ये आपके लिए ही है, खा लो अच्छे लगे, कृष्णा को भी बहुत पसंद आए हैं।
तो जी हमारा तो हो गया काम, आप भी बना के जरूर देखियो और बताइयो कि कैसा बने। और बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।